हिंसा के मतलब क्या होता है? हिंसा का मतलब ये नहीं है कि जानवरों को मारे, हम सत्य कुछ दूर बोलते हैं, जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मेहनत नहीं करते हैं और जो खाते भी हैं हम, तो ये सारी चीज़ें वो गांधी की जीवनी में तो और भी उसमें अहिंसा का जो मंगल प्रभात किताब है ये, तो ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। इसके ऊपर जो गांधी ने 11 व्रतों पर दिया है, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा समानता, ये सब चीज़ों में गांधी ने 11 व्रतों में जो दिया है, मानो मानो हम रहे हैं, सब हिंदुस्तान में जो भी रहते हैं वो मानो हैं, हमारे भाई हैं, और देश भर में नहीं दुनिया भर के लोग भी हमारे भाई हुए, ठीक है हिंदुस्तान में, पर कोई आदमी अपने धर्म में धर्म को मानता है तो हमको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। वो कोई अलग देश के लोग नहीं है, हमारे पर कोई कब्जा किया है जैसे अंग्रेजों ने किया था वैसा तो नहीं था, तो मुसलमान लोग भी यहाँ थे, तो बोलता पाकिस्तान बना तो मुस्लिम लोग सब उधर चले जाओ, अरे बाप दादा से ज़माने में यहाँ थे, यहाँ उनकी खेती है, धर्म कोई भी कोई किसका बने, तो हमको क्या है? जैसे व्यापार हम करते हैं क्या करना, कोई भी व्यापार करना है तो कर सकते हैं, वो सब हम स्वतंत्रता है, तो धर्म भी अपना जिसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान में जो पैदा हुए हैं उनको तो यहाँ रहने का अधिकार भी होना चाहिए, और है हमारे पास, और गवर्नमेंट के नियमों में भी ये नहीं है, वो सब लोग यहाँ रहे, मन कुछ हिंदू संगठनों के बारे, तो गांधी जी ने देखा कि मुस्लिमों की हत्या हो रही है, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, तो उन्होंने उपवास किया, ठीक है गांधी ने तो और क्या करे, और गांधी ने उपवास इसलिए नहीं किया, गांधी उपवास जब करते थे तो अपना दुख होता था इसलिए उपवास करते थे, इसका क्योंकि भाई इतना लोगों को काटते हैं मारते हैं, तो गांधी को जो दुख होता था इसलिए उपवास किया, उपवास इसलिए नहीं किया कि वो लोग छोड़ दे उनको, उनको मुसलमानों को मारने का काम है, वो छोड़े कि ना छोड़े उनका अलग बात है, गांधी को दुख हुआ इसलिए उपवास किया, तो जब गांधी उपवास करते थे तो जो लोगों को लगा कि नहीं ये गलत चीज है, तो फिर गांधी के पास गए और उनका उपवास छोड़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी सारा जो धर्मगुरु थे नेता लोग थे वो सब गए और गांधी को कहा कि नहीं हम हिंसा नहीं करेंगे, यहाँ सब लोग रह सकते हैं, और इसलिए गांधी ने उपवास को छोड़ा, मगर कुछ हिंदू संगठन वाले को लगा कि नहीं ये गांधी हमारा हिंदुओं को जो राज होना चाहिए ये नहीं करने देते हैं, गांधी रहता है तो नहीं है और सब शांति में फैल जाता है, फिर हमारे जो लोगों को भगा देने का पाकिस्तान बना था मुस्लिमों को भगा देना चाहिए, अरे मुस्लिम धर्म है पर यहाँ पर पैदा हुए है ना, तो इसका इनको रहने के अधिकार है, धर्म कोई भी हो, जैन लोग जैसे करते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, क्रिश्चियन रहे हैं, तो मुस्लिम भी यहाँ रह सकते हैं, तो ये गांधी का मानना था तो नहीं था, इसलिए कुछ हिंदू संगठन वालों ने देखा कि भाई ये गांधी जब तक जिंदा रहेगा तब तक हमको हिंदू राष्ट्र बनाने को नहीं मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया गांधी को मारने की कोशिश करने लगे, उसके पहले भी गांधी मारने की कोशिश कई बार हुई थी मगर गांधी बच जाते थे, जेलों में हम जो गुनेगार रहते थे, ऐसा हमारा ये है जेल में गुनेगार रहते हैं, मगर वो गुनेगार क्यों बने उसका कारण क्या है, वो जो गांधी ने कहा था कि असमानता है, दूसरा कुछ कारण हो, कभी आदमी क्रोध में आ जाता है तो कोई हिंसा कर बैठता है, और वो बाकी के लोग भी जो रहते हैं चोरी करते हैं ये करते हैं, चोरी भी क्यों करते हैं क्योंकि उनको खाना पीना रहने की व्यवस्था अच्छा नहीं मिलती है, इसलिए भी होता है, तो जेलों में जो अपराध करके जो गए हैं तो वो थोड़ा सा प्रायश्चित भी करें कि जो हमने अपराध किया है वो ठीक नहीं है, और थोड़ा सा प्रायश्चित करेंगे सजा मिलती है तो उनको बड़ा टेंशन रहता है, मगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है ये महसूस हो तो फिर उसको सजा भुगतने के लिए भी होना है, जैसे गांधी जी सत्य बोलना है तो सत्य बोलते हैं और कुछ गुनाह हो गया तो हमको गुनाह भी कबूल करना चाहिए कि ये नहीं यहाँ मेरी गलती हुई तो मुझे उसकी पनिशमेंट मुझे भी उसकी शिक्षा मिलनी चाहिए, तो ये तो हमारा सबका ये अनु करना चाहिए, सत्य कैसे हो तो उसका पालन करना चाहिए। इंटरनेट क्या चीज़ है मुझे भी मालूम नहीं था, तो मेरे कई मित्रों ने कहा कि तुम जो गांधी का प्रचार कर रहे हो वो इंटरनेट थ्रू तुम करो, तो मैंने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो बोला हम आपको मदद करेंगे आप खाली, तो पहले तो मैंने मेरे पास कंप्यूटर तो नहीं था तो बाहर जो कंप्यूटर वाला था तो उसको देना, तो उसमें से मेरे पास जो गांधी की किताबें थी
जो मुख्य मुख्य थी मीडिया में, तो उसको मैंने लॉन्च करने में और अपने वेबसाइट का नाम mkgandhi.org दिया, तो उसमें थोड़ा सा तो मुझे भी कुछ उसका मालूम नहीं था, हमारे पास किताबें तो काफ़ी थी। यूएन में 194 रजिस्टर कंट्रीज रजिस्टर किया है, मगर हमारी वेबसाइट पर जब हमको स्टेटिस मिलता है तो 202 कंट्रीज के लोगों ने, अलग अलग जो कंट्रीज में से कौन कितने देखा, कितने लोगों ने देखा, क्या देखा, वो सब हमको शेयरिंग मिलता है। तो 202 कंट्रीज में से लोगों को लोग आते हैं और गांधी के बारे में जानना चाहते हैं, डाउनलोड करते हैं या तो पढ़ते भी है। तो इसलिए गांधी विचारों को जो प्रचार है, सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा, समानता जो है, उनके बारे में गांधी ने सिर्फ बात नहीं की, लेक्चर नहीं दिया, गांधी ने एक भी शब्द अपने जीवन में आचरण में नहीं लाए थे, ऐसा एक शब्द भी नहीं बोला बाहर। जब आचरण में आ जाता है तब फिर गांधी कहते थे, देखो मैंने ये आचरण में लिख रहा हूँ और आप भी ये कर सकते हो, मैं सामान्य आदमी हूँ। लोग कहते गांधी आप बहुत बड़े हैं, आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो गांधी ने कहा ना, मैं भी आपके जितना ही हूँ, सब आदमी समान है, पर मैंने ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट किया, सत्य, हिंसा, प्रेम को अपने जीवन में आचरण में लेकर आया, इसलिए लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। गांधी विचार है, गांधी पर्सनली मुझे उसके बारे में कोई नहीं जानना चाहे, उसका क्या लड़के है, क्या लड़के करते नहीं है, उससे ज़्यादा जो उनके विचार है जो इम्प्लीमेंट किए, जो हर एक आदमी को करना चाहिए, और सत्य और अहिंसा पर जिसको जीने की इच्छा होती है, तो ये गांधी के बारे में जो सीखना चाहें या प्रयोग करना चाहें, कि गांधी ने क्या किया था, क्यों किया था, तो ये सब जानकारी मिल सकती है, इसलिए वेबसाइट का अच्छा उपयोग हो सकता है और करते भी हैं लोग। तो हमको खुशी है कि चलो भाई, हम गांधी विचारों का प्रचार, यानी सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा, समानता,